हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपसे पॉजिटिव सा। नमस्कार, अभी मैं कहीं बाहर हूं, पर मैंने सोचा कि आपके साथ जरा दो मिनट गुफ्तगू कर लेता हूं, फिर कहीं जाते हैं। दो पत्ती अभी मूवी रिलीज हुई है, सस्पेंस थ्रिलर है। शशांक चतुर्वेदी ने इसके अंदर डायरेक्शन दिए, कृति सैनन है, काजोल है। तो आपको लगेगा जी जरूर देखनी चाहिए भाई साहब, ये मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काजोल है हमेशा एक्टिंग जो है पार एक्सेलेंस ही रही है। बेकार बेकार मूवी के अंदर भी सिग्निफिकेंट रहा है। कीर्ति सैनन का मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी मूवीज हैं जो आपको उनका प्रोग्रेस दिखाती हैं, और जो उनकी लास्ट मूवी आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, मुझे ऐसा लगा था कि काफी अच्छी एक्टिंग करी है, क्योंकि एक रोबोटिक एक्सप्रेशन किस तरीके का हो सकता है, एकदम फ्लैट फेस से अचानक से कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर ये भाई साहब भी काफी ज्यादा मशहूर है, शहीर शेख। मैंने ज्यादा कॉन्टेंट नहीं देखा क्योंकि टीवी में ज्यादा फेमस है, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं ये मूवी। और मुद्दा ये है यहाँ पर कि कृति सैनन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ पैराग्लाइडिंग कर रही है, पहला सीन ही आता है, और अचानक से वो क्रैश लैंडिंग होने लग जाती है। बड़ी मुश्किल से इसको लोग बचाते हैं, फटाफट से पुलिस आ जाती है जिसके अंदर काजोल है, पुलिस बनी हुई, बड़ी स्ट्रिक्ट दिखाई गई है। अगर उसका कोई फैमिली मेंबर भी होगा और उसने गलत काम किया होगा तो उल्टा लटका देगी उसको, तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि भाई ये किस तरीके की है। और पहले ही दो चार सीन के अंदर ये समझ में आ जाता है कि शायद कुछ फॉल प्ले भी है, और अपनी जो शहीद छेक है इसने शायद डोमेस्टिक अब्यूज किया है और मारना चाहता है इसको, कृति सैनन को। बहुत अच्छी बात है, ये एक टोन सेट होगी ना, तो ये टोन जिस तरीके से सेट होगी बड़ी सीरियस वाली टोन सेट होगी। अगले ही पल जिस तरीके से काजोल का कैरेक्टर आगे लेके जाता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड टाइप हो जाता है, हल्का फुल्का कॉमेडी करने की भी कोशिश करी जाती है। एट द सेम टाइम जहां पर उसके आसपास का जो एनवायरमेंट दिखाया गया है विजेंद्र काला वाला, वो भी अजीब होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पुलिस की जो इंटरफेरेंस होती है तब शुरू होती है जब कोई केस वेस फाइल होता है, तो कृति सैनन ने कोई केस वेस तो किया नहीं है, लेकिन मैडम को लगता है काजोल को कि भाई इनके साथ कुछ हो रहा है। तो उनके साथ क्या हो रहा है एक्चुअली है ये सारी मूवी है, क्या उनका जो हस्बैंड है वो अब्यूज करता है। एक और मोहतरमा बीच में आ जाती है जो कृति सैनन ही जैसी दिखती है, जो इन्हीं के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो ये सारा मामला है क्या, ये इंसान उसको मारने की कोशिश क्यों करेगा। जो नई मैडम आई है वो ऐसे इंसान के साथ फ्लर्ट क्यों करेगी जिसका हिस्ट्री इस तरीके का है, और क्या जो कृति सैनन शरीफ अली है वो कहीं पर कुछ झूठ तो नहीं बोल रही है। तो थोड़ी सी ट्विस्टेड सी कहानी है, जब आप सुन रहे होगे मेरे से तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी हाफ वे इन द मूवी आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि एंडिंग जो है वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, कोर्ट रूम ड्रामा हो जाता है, और फिर कुछ भी जस्टिफाई करने की कोशिश करी जाती है। अब बोलो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ चली गई, क्या बातें करने लग गए हो, ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है, और आप कहीं ना कहीं आप ये बोलते हो कि इट इज पुअर राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक्टिंग के अंदर मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर डायरेक्टर की गलती मानूंगा, क्या एक्सप्रेशन देना है, किस तरीके से आपको कोई चीज डिलीवर करनी है, ये एक डायरेक्टर का काम होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, फ्रॉम सीधा बच्चा टू मैं सबसे ज्यादा कुंखार टाइप की हूँ, जो कृति सैनन को ये रोल करने थे, वो प्रोड्यूसर है, वो ऐसा रोल करना भी चाहती हूँ कि अपना डाइवर्सिफिकेशन दिखाने के लिए, बट वो क्योंकि वो प्रोड्यूसर है तो फिर अच्छा रोल भी चाहिए, और नेटफ्लिक्स को बेच भी दी तो प्रॉफिट भी आ गया, डबल डबल फायदा हो गया, लेकिन वो बैठा नहीं है यहाँ पर ढंग से। काजोल का जो डायलेक्ट है, जो लोकल डायलेक्ट पकड़ने की कोशिश करवाई गई है डायरेक्टर द्वारा, वो कभी है कभी नहीं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है, और टोनैलिटी जैसे मैंने बोला बहुत बड़ा इशू है, किसी भी डायरेक्शन में चलती रहती है। विजेंद्र काला और ऐसे बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी हम बहुत तारीफ करते हैं, इंक्लूडिंग पंकज त्रिपाठी भी, हम ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आप गौर करिए ये पंकज त्रिपाठी, विजेंद्र काला, ये सारे इंसान 1,900 करोड़ साल से सेम ही तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं, ये सेम ही दिखते हैं, सेम ही रहते हैं, कंघी तक सेम है, हेयर स्टाइल भी चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी ये कर रहे हैं कन्विंसिंगली कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो भी कर रहे हैं कन्विंसिंगली कर लेते हैं, और पुलिस के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट भी डाल देते हैं कि यार पुलिस हमारी ऐसी निकम्मी है कि कुछ सिग्निफिकेंटली कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता। तन्वी आजमी का रोल आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का थोड़ा सा सस्पिशन इधर से उधर जो झोले खाता है वो सिर्फ इनकी वजह से खाता है, अदरवाइज डायरेक्टर साहब ने राइटर साहब ने पूरा कोशिश करी है कि आपका मजा किस तरीके से किरकिरा हो सकता है, और एक मैसेज देने वाली मूवी जो है वो किसी और राह पे कैसे निकल जाती है, फिर एंड में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, देख लो अब्यूज था। तो वो है, तो मेरे ख्याल से हार्ट इज इन द राइट प्लेस बट नॉट द डायरेक्शन, नॉट द स्टोरी, एंड स्पेसिफिकली द एंडिंग 15-20 मिनट्स ऑल रबिश थिंग्स वर हैपनिंग। तो माई मूवी शो स्कोर वुड बी लाइक 1.5 स्टार आउट ऑफ 5।
ये जितने भी कम नंबर मिले हैं मैंने सब पुअर एक्टिंग ये वो सब चीजें इग्नोर कर दी हैं। इट इज बिकॉज ऑफ पुअर राइटिंग, आई वुड से लेजी राइटिंग बोलनी चाहिए, पुअर भी क्या होता है। ठीक है, बाय बाय।